हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज मैं एक ख़ास रेसिपी लेके आई हूं जिसका नाम है हक्का नूडल्स। तो चलिए देखते हैं कि नूडल्स बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नूडल्स बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने उबाल लिया है और इसे मैंने एक घंटा पहले ही उबाला हुआ है। और इसे थोड़ा सा तेल और थोड़ा नमक डाल के मैंने इसे उबाला है। और उसके बाद इसे पंखा के नीचे रख देना है। थोड़ा सा तेल मिला के इसमें हल्का पंखा के नीचे रख देंगे ताकि इसका जितना मॉइस्चर वो हट जाए और ये बहुत ही हल्का हो जाए। सब अलग अलग देख रहे, सब अलग अलग हो गया। इस तरह से करने के लिए हमें पंखा के नीचे से रखना पड़ेगा। तो अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुकी है और इसके लिए अब हम कुछ वेजिटेबल लिए हैं, जिसमें कैप्सिकम, मैंने शिमला मिर्च लिया हुआ है। आप इसमें लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, पीली शिमला मिर्च सारे यूज़ कर सकते हैं। गाजर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बीन्स लिया हुआ है और ये मैंने कैबेज लिया हुआ है। यहाँ पे बंधा गोभी, तो मैंने यहाँ पे डेढ़ कटोरी मैंने यहाँ पे बंधा गोभी लिया है। यहाँ एक कटोरी मैंने शिमला मिर्च लिया हुआ और एक कटोरी बीन्स लिया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने दो टमाटर लिया हुआ है, जो मैंने हल्का बहुत ही बारीक कट किया हुआ है। बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, मीडियम में रखना है। और यहाँ मैंने हल्का नमक स्वाद अनुसार उसमें लेंगे, और जीरा लेना है, हरी धनिया उसे उसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए, और यहाँ दो हरी मिर्च ली हुई है मैंने, ये धनिया, ये लहसुन है, तो लहसुन मैंने दो कली यहाँ लिया हुआ है और उसे मैंने बारीक कट किया हुआ है लंबे पीसेस में। और ये सोया सॉस है, ये टमाटो सॉस, चिली सॉस, यहाँ मैंने दो प्याज कट करके लंबी लंबी पीसेस में कट किया हुआ है। यहाँ मैंने एक चम्मच विनेगर लिया हुआ है। थोड़ा तेल लेना है, थोड़ा तेल मैंने यहाँ यूज़ किया, थोड़ा तेल में तेल लेना है, तेल ले रहे हैं। अब इसमें हम जीरा लेंगे, ये लहसुन लेंगे, मिर्च, अब ये मैंने प्याज इसमें डाला, ये मैंने इसे मिलाया। और इसे इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसे हमेशा हाई फ्लेम में बनाना है, क्योंकि चाइनीज़ नूडल्स जो भी बनती है वो हमेशा हाई फ्लेम में बनती है, और जो भी वेजिटेबल रहती है वो पूरी तरह से हमें नहीं पकाना है। तो इसमें अब हम जो टमाटर लिए थे वो मैं डाल रही हूँ, इसे भी हल्का चला ले रहे। और इसमें कैप्सिकम, शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च ले रहे हैं। आप इसमें गाजर भी ले सकते हैं, अच्छी अच्छी जो सारी सब्जी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें बीन्स ले रहे हैं, और अब कैबेज ले रहे हैं, बंधा गोभी, और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हम इसमें हल्का नमक ऐड कर रहे हैं, बस इसी सब्जी के हिसाब से मुझे ऐड करना है, ये वेजिटेबल्स के हिसाब से हमें ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। और हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिला ले रहे हैं। अब मैं इसमें टमाटो सॉस डाल रही हूँ, तो टमाटो सॉस हमें यहाँ पे 4-5 चम्मच लेना है, तो 4-5 चम्मच मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं यहाँ पे चिली सॉस डाल रही हूँ, तो ये मैं यहाँ पे तो ज़्यादा ही ये स्पाइसी होती है, तो इसे मैं 2-3 चम्मच ही लूँगी, और आप अपना टेस्ट के हिसाब से आप इसे ऐड कर सकते हैं। और इसे आप अच्छी तरह मिला लें, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है और हाई फ्लेम पे ही पकाना है, और ज़्यादा इसे सॉस डालने के बाद ज़्यादा नहीं बनाना है। तो अब मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी, ये देखिए मैंने इसमें सोया सॉस डाला, जो कि 1 से 2 चम्मच है। तो अब मैं इसमें नूडल्स ऐड कर रही हूँ, नूडल्स ऐड करने के बाद इसमें नूडल्स के हिसाब से हल्का नमक डालना है, क्योंकि सॉस में नमक होती है, तो इसीलिए हल्का नमक ऐड कर रहे हैं हम इसमें। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, इस तरह से करके
अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें टमाटो केचप ऐड करेंगे। देखिए इसमें कम से कम 2 चम्मच आप इसमें टमाटो केचप ऐड कर रहे हैं तो अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब टमाटो केचप मिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। देखिए कितनी अच्छी नूडल्स रेडी हुई है। अब ये पूरी तरह से पक चुकी है। इसे इसी तरह 2-3 मिनट और चलाइए। उसके बाद ये इसका सारा पानी जो है वो हल्का हो जाएगा, सूख जाएगा। अब ये देखिए ये अच्छा से बन चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में सर्व, देखिए मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसमें मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती डाला है और अब ये पूरी तरह से रेडी है खाने के लिए। अब आप इसे ट्राई कीजिए घर में और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ मैं फिर आऊँगी। इसके साथ ही